हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सबका अपने चैनल मौर्य एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज़। ओके, हम अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस कब यूज़ करना है, फॉर कब यूज़ करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का मतलब क्या है। देखिए, जब किसी भी काम को करने का समय दिया गया रहता है, टाइमिंग जब मेंशन होता है कि ये काम कब से हो रहा है या ये काम कब से हो रहा था या फिर ये काम कब से हो रहा होगा, मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो इन सब में हमें अपना वो जो समय निर्धारित दिया गया रहता है उसमें हमें क्या यूज करना रहता है, चाहे तो सिंस या फिर फॉर। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब मूड में आए सिंस यूज कर दिए, जब मूड में आए फॉर यूज कर दिए, ऐसा नहीं करती। इसका अपना एक रूल होता है, तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। देखिए, सबसे पहले हम सिंस की बात कर लेते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा और समझना भी उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हम अक्सर ये चीज कहने के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि इसका क्या मतलब है। आज हम आपका ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जो आप कभी मतलब कभी भी लाइफ में आप नहीं भूल सकते। तो सेंस पहले देख लेते हैं, जैसे घड़ी में कितना बज रहा है। ठीक है, एक बजे से, मान लो हमें बोलना है मैं बच्चों को एक बजे से पढ़ा रही हूँ। ओके, एक बजे से, अगर मैं ये एक बजे से बोलूँ तो सेंस यूज करना। ध्यान रहे, कभी भी कितना भी बजे करके आए, बजे से, दो बजे से, ढाई बजे से, ओके, आपको बोलना है ये साढ़े तीन बजे से, या कुछ भी बजे करके आए, तो आपको क्या यूज करना है, सिंस का यूज करना है, भूलना नहीं। अब देखिए, अगर हम ये बोले कि एक दिन से, दो दिन से, चार दिन से, पांच दिन से, न जाने कितने भी दिन से, हम वहां पर सिंस यूज नहीं करेंगे। ध्यान रहे, ठीक है, एक दिन, दो दिन से, कितना भी दिन करके आप बोलो, हम वहां पर सिंस का यूज नहीं करेंगे। फिर हम वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर। अब ये दिमाग में आएगा फॉर कैसे यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब अगर किसी भी चीज का नेम मेंशन हो, दिन का अगर नाम है, जैसे संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, सैटरडे, फ्राइडे, जो भी है, अगर वो दिन का नाम मेंशन है तो आप सिंस का यूज करोगे। जैसे आपको बोलना है कि संडे से, सिंस संडे, ठीक है, सिंस मंडे, ओके। और अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं, दिन हो गया, दिन कई दिन मिलके मंथ हो, मतलब वीक हो गए, एक वीक से, दो वीक से, तीन वीक से, चार वीक से, कितने भी वीक बोलो आप, क्या यूज करोगे आप, फॉर का यूज करोगे। आई बात समझ में? देखिए, सिंस और फॉर दोनों का यूज साथ में चल रहा है, कैसे हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखो, एक वीक मैंने क्या भी बताया, एक दिन से, दो दिन से, तीन दिन से बोलोगे फॉर का यूज होगा, ओके, एक वीक से, दो वीक से फॉर यूज होगा, ओके, एक मंथ से, दो मंथ से, थ्री मंथ से, फोर मंथ से, 50 मंथ से, न जाने कितने मंथ, कितना भी ऐड कर दो, आप फॉर यूज करोगे। लेकिन अगर उस मंथ का आपने नाम मेंशन कर दिया तो आप क्या यूज करोगे वहां पे, फिर सिंस का यूज करोगे। अगर मैं ये बोलूं कि जनवरी से, तो सिंस जनवरी, फरवरी से, सिंस फरवरी, मैं अगर ये बोलूं एक मंथ से, दो मंथ से, तो फॉर अ मंथ, फॉर टू मंथ, फॉर वन मंथ, फॉर थ्री मंथ, ये बातें आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ईयर की बातें आती है, मतलब जो साल होता है, एक साल से, दो साल से, तीन साल से, सौ साल से, कितने भी साल, क्या यूज करोगे आप, फॉर। लेकिन अगर उस साल का वो मेंशन है, कौन सा वाला साल, जैसे 1998 से, ठीक है, या 2000 से, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे फ्रेंड, सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2004, सिंस 2003, ये सब सिंस यूज करेंगे। ध्यान रहे, जब अगर हम मंथ का, डे का, वीक का, ईयर का अगर नाम मेंशन है तो सिंस यूज करोगे, अगर नाम मेंशन नहीं है
गिनतियों में है, एक से दो, एक महीने से दो महीने से, एक साल से दो साल से, या एक दिन से दो दिन से, या एक घंटे से दो घंटे से, चार घंटे से, वो मेंशन नहीं है तो आप फॉर यूज करोगे। अगर वो उसका नाम मेंशन है, वो पीरियड, वो टाइम, वो जो पॉइंट है जो टाइम का वो मेंशन है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और एक चीज, जैसे हम ये बोले सुबह से या शाम से या आफ्टरनून से या रात से, ये सारी बातें अगर हम बोलते हैं तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस। भूलना नहीं, सिंस का यूज करना है, फॉर का यूज तो भूल के भी नहीं करना। ओके, अच्छा, हम अगर ये बोले बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, ये जो हमारा एक स्टेट होता, हमारा ये जो हमारा ये मतलब आप समझ सकते हो, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से, ऐसी जो बातें आए, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं करना। ओके, तो आई थिंक आपका ये सिंस और फॉर का डाउट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। देखिए, जो सिंस है, सबसे पहले आप घड़ी जो होता है ना, उसमें जो बजे करके देखो, एक बजे से, दो बजे से, कितने भी बजे करके आए तो सिंस का यूज करना है। ठीक, अब इसके बाद, और इसके बाद सुबह से, दोपहर से, शाम से, सिंस यूज करना है। ठीक है, हम अगर ये बोले मंडे से, ट्यूसडे से, देखो सब दिन का नाम अगर दिया है, ठीक है, डे का नाम दिया है तो हम सिंस यूज करेंगे, डे का नाम नहीं दिया है तो सिंस यूज नहीं करना, ध्यान रहे। एक दिन से, दो दिन से, चार दिन से, जो भी है, हम फॉर यूज करेंगे। फिर ऐसे ही अगर मंथ का नाम मेंशन है, ठीक है, मंथ का नाम मेंशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, कोई भी मंथ से, दिसंबर से, तो हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, सिंस का यूज करेंगे। और अगर हम नाम नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं एक महीने से, बारह महीने से, सौ महीने से, पचास महीने से, कितने भी महीने से, फॉर यूज करते रहो आप। ओके, ऐसे एक साल से, दो साल से, कितने भी साल बोल दो, आप फॉर यूज करोगे, लेकिन साल कौन सा साल वो मेंशन है तो आप क्या यूज करोगे, सिंस। ओके, तो ये हमारा सिंस और फॉर का यूज है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।